समय हो गया है यूपी खबर का, तो चलिए नजर डालते हैं यूपी की ओर। ये भारतीय जनता है, सहन जब तक करते बनता है करती है, उसके बाद जब सहन सीमा खत्म हो जाती है तब बड़ा कदम उठाती है। योगी सरकार में प्रधानों द्वारा सरकारी खजानों में जबरदस्त घोटाला किया जा रहा है, उसी का विद्रोह कर रही है जनता। मऊ जनपद के घोसी तहसील के मानिकपुर ग्राम के प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया गया रोड और उसी पर फिर से रोड बनवाया जा रहा है, उसी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, निर्माण रुकवा दिया है और जांच होने के लिए उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा एक ही रोड का बार बार निर्माण क्यों, हमारे लिए काफी और सुविधाएं हैं जो कि रुकी हुई हैं, शौचालय नहीं है, अन्य जगह रोड नहीं है, नाली नहीं है, लेकिन इसी को क्यों बार बार बनवाया जा रहा है और एक और पैसे देकर आदर्श गांव का दर्जा दिलवा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं लोगों ने क्या जानकारी दी है, वे क्यों गुस्से में है। रामविलास राजभर मानिकपुर। क्या मामला है? ये रोड का मामला है सर। क्या हुआ इसमें? इसमें सर जांच के लिए कागज दिए हुए हैं सर, 4 महीने से दौड़ रहे हैं सर, इसके जांच के लिए सुनवाई हो गया है सर, 30 दिन का मौका दिया गया है सर, इसके जांच के लिए इसमें कार्यक्रम में प्रधान काम करा रहे हैं सर, इसके काम को हमें आरसीसी निर्माण है सर, इसका पैसा सब गांव का मिल के प्रधान सब गांव की रोड का विकास का पैसा खा गए हैं सर, शौचालय भी नहीं मिल रहा है सर। क्या इस रोड का पेमेंट पहले हो चुका है? क्या पहले हो चुका है सर? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में सर मैं वही कहना चाहता हूं कि जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए सर, जिसलिए मैं दौड़ रहा हूं 4 महीने से सर, वो कामना हमारा पूरी हो सर, मैं विकलांग आदमी हूं। क्या नाम है आपका? दीपक राजभर नाम है। क्या मामला है? मामला ये है कि सर हमारे गांव में इससे पहले 13-14 जो खड़ंजे बने थे उसका पहले भुगतान हो चुका है, लेकिन निर्माण कुछ भी नहीं हुआ है और इससे हम लोग सारे गांव वासी पूरे परेशान है और प्रधान के खिलाफ हम लोग कई बार मतलब जांच भी दिए, डीएम साहब को दिया गया, एसडीएम साहब को दिया गया, मगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फिर उसके बाद स्नेहा मौर्य जो यहाँ की सेक्रेटरी हैं और उनके साथ एक एडीओ साहब भी आए थे और कुछ लोग आए थे, तो जो मामला था तो उसमें वो लोग दिखा रहे थे कि ये काम हो चुका है, मगर मौके पर कोई काम नहीं हुआ और फिर लिपा पोती करके हम लोग को सांत्वना दे दिया गया, अस्थायी रूप से कोई काम नहीं हुआ है और बस यही, इसीलिए आज फिर प्रधान दोबारा जो भुगतान हो गया है उसी को फिर काम करा रहा है, जिसको हम गांव वाले रोक रहे हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जाँच हो और इससे पहले जो भुगतान हुआ है और उसमें जो लोग संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो, तभी हम लोग संतुष्ट हैं, अन्यथा काम नहीं होने देंगे। कहाँ घर है आपका? मानिकापुर। क्या मामला है? ये रोड के नारे के लेके पैखाना उखाना कुछ नहीं प्रधान दिया, अब बोलता है कि बनवा दिया, एकदम आरसीसी करवा दिया। कितने आरसीसी हुए? कहूँ नहीं हुआ। आज कौन सा काम कर रहे थे प्रधान? खरंदा उजड़वा रहे हैं। तो आप लोगों ने विरोध क्यों किया? रुकवा दिया, उसका जांच करिए। तो जब इस धरने के बारे में और लोगों के गुस्से के बारे में, विरोध के बारे में जानने की कोशिश की प्रधान से, जिम्मेदार व्यक्ति से, तो उन्होंने किस तरह से पल्ला झाड़ा। आपका क्या नाम है सर? कल्पना यादव सर। आप इस ग्राम के क्या हैं? वे ग्राम प्रधान मानिकपुर जमीन हाजीपुर के प्रधान है सर। क्या मामला है? मामला तो है कुछ नहीं जी, लेकिन लोगों ने ये उठाया है जो कार्ययोजना में हम लोग 20-30 काम डालते हैं, 50 काम डालते हैं जी, तो उस काम का अनुमानित लागत डाली जाती है जी, अनुमानित लागत के हिसाब से कार्ययोजना उठा करके जी, लोगों ने हल्ला उठाया कि इतना मैंने कार्य करा करके पैसा ले लिया गया जी, लेकिन मेरा कहना है कि मैं काम कराता हूँ, जो काम कराया 10-20 काम कराया, लाइट लगवाया, सोलिंग खड़ंजा मरम्मत कराया, सीसी रोड बनवाया, वो हर काम जो है कंप्यूटराइज व्यवस्था है, सब में फिट है, कोई हमारे तरफ से कहीं 1 रुपये का ये नहीं है कि जो काम नहीं हुआ और पैसा निकाल लिया गया। सर 3 साल के लोगों का कहना है कि आप 5 रोड बनवा चुके हैं और आरसीसी का पेमेंट ले चुके, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं मैंने अपने फंड से, अपने ग्राम सभा की निधि से कोई सीसी रोड नहीं बनवाया है, न किसी सीसी रोड को पैसा निकाला है।
जो पब्लिक विरोध कर रही है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? विरोध कर रहे हैं तो पब्लिक का मिजाज जाने, अब उसके बारे में वो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी काम हम किए हैं वो दिखाई दे रहा है और जिसको देखना है वो आकर देख ले, मैं चैलेंज खुली करता हूँ। थैंक यू।